देश की सबसे ताकतवर हस्ती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव में भारी जीत के बाद मोदी देश में सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राजनीति की दुनिया से अलग देश में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स कौन है? दरअसल यही वो शख्स भी है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। इस शख्स के बारे में गहराई से जानने और समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे चंद्रपुर, महाराष्ट्र के विदर्भ का छोटा सा शहर है चंद्रपुर। करीब 63 साल पहले इसी शहर से संघ के एक स्वयं सेवक मोहन मधुकर राव भागवत की कहानी की शुरुआत हुई थी और इसी कहानी से आकर जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैरतअंगेज कामयाबी के तार। तो उनका पिताजी का मुझे बहुत प्यार मिला था, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे। तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ कैसे जीवन के साथ मुझे बचपन में जुड़ने का अवसर मिला था। मोहन भागवत, ये नाम मीडिया के कैमरों के आगे कभी कभार ही चमकता है, लेकिन ये वो शख्स हैं जो देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाते हैं। मोहन भागवत और उनका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूं तो जाहिरी तौर पर राजनीतिक गतिविधियों से परहेज करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और बीजेपी को चुनावी जंग जिताने में पर्दे के पीछे से उनका ही सबसे अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 88 साल के इतिहास में पहली बार संघ का कोई प्रचारक पूर्ण बहुमत के साथ देश की गद्दी पर बैठा है। आज केंद्र में संघ परिवार के एक सदस्य बीजेपी की सरकार चल रही है और इस दुरूह कारनामे को कर दिखाया है सर संघ चालक मोहन भागवत ने। अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया है, लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे, अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत आज राजनीति की दुनिया के बाहर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि मोहन भागवत ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाई थी रणनीति और कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की राह आसान कर दी। मोदी और भागवत के कनेक्शन की इस कहानी के साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि कैसे मोहन भागवत बन गए संघ और बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पर रिमोट कंट्रोल वगैरह नहीं चलाता। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनुशासन पैदा करता है। मोहन भागवत पहली बार लाइमलाइट में उस वक्त आए थे जब उन्हें 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर संघ चालक बनाया गया था, लेकिन संघ प्रमुख बनने के बाद अपने बयानों को लेकर ही वो ज्यादा चर्चा में रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हाल ही में हिंदुत्व पर दिए उनके बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। भागवत के विवाद की एक कहानी भी हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश की मौजूदा राजनीति में सर संघ चालक मोहन भागवत होने का क्या मतलब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिससे करीब 3 दर्जन छोटे बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। इन संगठनों का दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से एक भारतीय मजदूर संघ जिसके करीब 10 लाख सदस्य हैं। देश का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
और देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे संघ के कई और संगठन हैं, जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार देश भर में शिक्षा, जन कल्याण और हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों सहित कई क्षेत्रों में हजारों प्रोजेक्ट चला रहा है और संघ परिवार के इन सारे कार्यक्रमों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश देना और उनका वैचारिक मार्गदर्शन करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक का होता है। पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही संगठना थी, बाद में ऐसी जरूरत महसूस हुई कि महिलाओं में भी काम होना चाहिए और इसीलिए उस समय की जो स्वर्गीय मावशी केलकर, उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की और संघ से वो संगठना जुड़ गई। मजदूर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक है, उनके लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। तो वैसा कहा जाए तो पहले संघ एक ही था, बाद में संघ बदलते गया। तो संघ बदलते भी रहता है, किंतु मूल जो संघ की विचारधारा है उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं। 2009 में मोहन भागवत जब सर संघ चालक बने थे, उस वक्त बीजेपी लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, लेकिन भागवत ने हार नहीं मानी। न सिर्फ उन्होंने बीजेपी में जबरदस्त बदलाव लाया, बल्कि उन्होंने संघ परिवार को चुनावी जंग में बीजेपी की मदद के लिए तैयार भी किया। जहां तक बीजेपी की बात है, वहां क्या सर्जरी आवश्यक है, मेडिसिन आवश्यक है, केमोथेरेपी जो कुछ आवश्यक है, उनका उन्हीं को डायग्नोस करके करना है। उनको ऑर्गेनाइजेशन के नाते कोई मदद चाहिए तो वो हमारे स्वयंसेवक है और मांगेंगे तो हम करेंगे। मोहन भागवत कैसे बने संघ के सरताज और कैसे उन्होंने हारी और थकी हुई बीजेपी में फूंक दी एक नई जान, भागवत की ये कहानी भी बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे भागवत के ताजा बयान को लेकर मचा है घमासान। दरअसल भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बोलकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान है और ये अन्य धर्मों को स्वयं में समाहित कर सकता है। तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है, उसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। पिछले सप्ताह मोहन भागवत ने कटक में कथित तौर पर कहा था कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है और देश के वर्तमान निवासी इसी महान संस्कृति की संतान हैं। उन्होंने सवाल किया था कि यदि इंग्लैंड के लोग इंग्लिश हैं, जर्मनी के लोग जर्मन हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू के रूप में क्यों नहीं जाने जाते। हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में हिंदुत्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर मचा हुआ है घमासान। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी उनके पास भिजवा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि भारत सभी धर्मों का, सभी समूहों का देश है। धर्म की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो अंतर विरोध कई तरह के भाषा के हैं और भाषा का छोड़िए सबसे बड़ा कास्ट सिस्टम है। जो संस्कार और संस्कृति और कई बात आरएसएस करती है, मुझे बता दें कि कहीं हिंदू शब्द का उपयोग किया गया है। हिंदू वाले बयान पे आप कायम है क्या? अरे आप ये बोलने का काम है ना, वो उधर है राम मनमोहन जी बैठे। संघ प्रमुख बनने के बाद से ही मोहन भागवत अपने बयान को लेकर विवादों में घिरते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो बीजेपी को सत्ता दिलाने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे हैं। भागवत ने कैसे रची थी बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी रणनीति, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले मोहन भागवत पर किसने लगाया था एक बेहद संगीन इल्जाम। कैरावन पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि संघ के बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े स्वामी असीमानंद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उसे आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए
आरएसएस के बड़े नेताओं ने संकेत दिए थे, जिनमें मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हैं। स्वामी असीमानंद 2006 से 2008 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोप में फिलहाल जेल में बंद है। जिस असीमानंद जी के नाम पर इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई जा रही है, उन्होंने पहले भी अदालत में खड़ा होकर कहा कि किसी को इससे कोई लेने देना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कल यह भी स्पष्ट किया कि इस तथाकथित इंटरव्यू जो छपा है, उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं थी। तो इससे एक तो झूठे आरोप यह सिद्ध होता ही है, और उसके साथ साथ इस इंटरव्यू की जो ऑथेंटिसिटी है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। कैरावन पत्रिका ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए इंटरव्यू का ऑडियो भी जारी किया था, लेकिन संघ ने असीमानंद के कथित इंटरव्यू की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल संघ प्रमुख बनने के बाद से ही मोहन भागवत अपने बयानों और विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद मोर्चा संभाला, तो वो और लाइमलाइट में आ गए। लेकिन मोदी और भागवत की कनेक्शन की इस कहानी से पहले आपको सुनाते हैं भागवत की ये कहानी। ये धुआं उगलती चिमनियों का शहर है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए भी जाना जाता है, और ये शहर चंद्रपुर संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी शहर है। मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था, लेकिन चंद्रपुर की गलियों में ही खेलते कूदते उनका बचपन गुजरा है। क्योंकि मोहन भागवत के दादा नारायण भागवत महाराष्ट्र के सतारा से चंद्रपुर में आकर बस गए थे। नारायण भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्कूल के दिनों के दोस्त भी थे। यही वजह है कि मोहन भागवत का संघ से 3 पीढ़ियों का नाता रहा है। संघ से मोहन भागवत का ये कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मोहन भागवत के दोस्त की जुबानी उनके बचपन की ये कहानी। यहाँ पे बाजू में हमारे एक चांदा क्लब करके है, वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे बैडमिंटन टेबल टेनिस हम लोग खेला करते थे, क्रिकेट भी हम लोग स्कूल लाइफ से खेलते थे। मगर इसके बावजूद उस वक्त पे वो जो गिल्ली डंडा वगैरह का जो खेल रहते थे, वो लोग भी हम बड़े रुचि से खेलते थे। और एक हमारा एक शौक मैं बताना चाहूँगा इसलिए कि हमारे घर के बाजू में रेलवे लाइन है एक्चुअली, तो उस रेलवे लाइन पे जाके कुछ 1 पैसा 2 पैसा उस ज़माने में जो था, वो पैसा रख के वो रेलवे लाइन के रेलवे जाने के बाद उसका क्या होता है, ये देखने का हमें बड़ा शौक था। एक तो रहन सहन बहुत सादी थी उनकी, स्वभाव प्रेमल यानी बहुत स्नेहपूर्ण स्वभाव था, सबसे अच्छे बोलते थे, सबसे अच्छी बातें करते थे, और हंसमुख हमेशा हंसते थे। आज भी आप देखिए तो उनकी चेहरे की प्रसन्नता जैसी आज दिखती है वैसी पहले भी दिखती थी। चंद्रपुर के इसी लोकमान्य तिलक विद्यालय से मोहन भागवत ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। स्कूल के उनके टीचर आज भी उन्हें एक ऐसे विद्यार्थी के तौर पर याद करते हैं जिससे इतनी कामयाबी की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। लीडरशिप क्वालिटी बोले तो वो जो कार्यक्रम जिस कार्यक्रम की मैंने बात की सरस्वती पूजन के, तो उसमें एक प्रमुख तो रहता ही है कक्षा में, तो प्रमुख ये थे उस समय की बात है। तो अब इसमें लीडरशिप क्वालिटीज बोलो न बोलो, पर बहुत सारे लड़कों का साथियों का साथ लेकर कुछ एक नियोजित कार्यक्रम अच्छी तरह से यश संपादन करके पार लगाना, इसमें अगर कुछ कौशल लगता है तो वो कौशल तभी से उनके पास था। चंद्रपुर से स्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद उन्होंने शहर के ही जनता कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन की ये पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, और एक साल बाद ही मोहन भागवत ने चंद्रपुर शहर को भी छोड़ दिया। उनकी जिंदगी का पहला अहम पड़ाव बना महाराष्ट्र का शहर अकोला। मोहन भागवत ने बीएससी की पढ़ाई छोड़कर अकोला के इसी पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में
वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स में दाखिला ले लिया था। स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन 1975 में उन्होंने ये पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थाम लिया। अकोला में पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में MVSC की डिग्री लेने के लिए अकोला में आए थे। उस समय वो अकोला में संघ के कार्यालय में ही रहते थे। वहां का उनका पढ़ाई होने के बाद पहले उन्होंने कुछ दिन तक और मेरे ख्याल से चामोर्शी में सरकारी नौकरी भी की, मगर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही की, बाद में वो प्रचारक निकले। मोहन भागवत की 3 पीढ़ियां संघ से जुड़ी रही हैं। मोहन भागवत के दादा नारायण भागवत संघ के स्वयंसेवक थे और उनके पिता मधुकर राव भागवत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उन्होंने गुजरात में प्रांत प्रचारक के तौर पर भी काम किया है। आम तौर पर संघ के प्रचारक शादी नहीं करते हैं, लेकिन जब मधुकर राव भागवत ने शादी करने का फैसला लिया तो वो वापस चंद्रपुर आ गए और चंद्रपुर क्षेत्र के कार्यवाह सचिव पद पर रहे। मोहन भागवत की मां मालतीबाई भी संघ की महिला शाखा सेविका समिति की सदस्य थी। खास बात यह भी है कि मधुकर राव भागवत ने ही बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को संघ में दीक्षित किया था। मोहन जी के पिताजी स्वर्गीय मधुकर राव जी भागवत वो गुजरात में प्रांत प्रचारक थे। गुजरात में प्रांत प्रचारक से मुक्त होने के बाद वो चंद्रपुर में आए। चंद्रपुर में भी उनके तरफ चंद्रपुर विभाग संघ चालक का दायित्व था, किंतु मधुकर राव भागवत के जो पिताजी थे स्वर्गीय नानाजी भागवत वो भी संघ से जुड़े हुए थे और संघ के वहां के संघ चालक थे। इसलिए मोहन जी का संघ से संबंध वो अपनी माँ के कोख में जब थे तब से है, ऐसा यदि कहा तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मोहन भागवत की 3 पीढ़ियों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कनेक्शन की कहानी। लेकिन अब सुनिए मोहन भागवत के नरेंद्र मोदी से कनेक्शन की ये कहानी। दरअसल जिन दिनों मोहन भागवत के पिता मधुकर राव भागवत गुजरात में संघ के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, तब उनके संपर्क में पहली बार आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, आप और मोहन भागवत दोनों 1950 के बॉर्न है, आप दोनों का प्रचारक बन के मतलब साथ साथ आपका करियर जो है वो हो गया। उनका आप जहाँ तक आए हैं उसमें पर्सनल कुछ जो आपके संबंध है उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको यहाँ आने में? उनके बजाय उनके पिताजी का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। उनके पिताजी गुजरात में संघ के प्रचारक थे और मेरे प्रारंभिक जीवन में बहुत छोटा बच्चा था तो उनका पिताजी का मुझे बहुत प्यार मिला था। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे, तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ कैसे जीवन के साथ मुझे बचपन में जोड़ने का अवसर मिला था। अकोला के पंजाब राव कृषि विद्यापीठ से एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन करने के बाद मोहन भागवत ने कुछ महीनों के लिए चंद्रपुर में ही एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये 2 साल की इंटर्नशिप जरूरी थी। लेकिन जब मोहन भागवत MSc की पढ़ाई कर रहे थे तब 1975 में उन्होंने अचानक बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। ये वो दौर था जब देश में आपातकाल लगाया गया। ऐसे हालात के बीच मोहन भागवत पढ़ाई छोड़ने के बाद फुल टाइम संघ के प्रचारक बन गए। मोहन जी के पिताजी खुद ही संघ के बहुत बड़े प्रचारकों में से थे, कार्यकर्ताओं में से थे, तो वो संस्कार तो मोहन जी पे पहले से हुए, ऐसा नहीं। मगर बाद में जाके अकोला में निश्चित रूप से क्या हुआ ये नहीं बता सकता हूँ मैं, पर अकोला से ही उनका संघ कार्य में जो निष्ठा है उनकी वो बदलने लग गई और उन्होंने उसी वक्त ये निश्चय कर लिया कि वो अपना जीवन संघ के लिए देंगे। नमस्ते सदा वत्स।
आपातकाल के दौरान मोहन भागवत ने संघ के लिए भूमिगत होकर काम किया। 1977 में उन्हें अकोला में ही संघ का प्रचारक बना दिया गया और बाद में उन्हें नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों का प्रचारक भी बनाया गया। जैसे रोज स्नान करते हैं, रोज पोषण के लिए भोजन करते हैं, वैसे देश के काम के लिए, धर्म समाज के काम के लिए, संस्कृति के काम के लिए योग्य बनने का एक गंड का व्यायाम करना। वहाँ की सिरोंचा की या चामोर्शी की नौकरी होने के बाद वो प्रचारक करके निकले और प्रचारक करके निकले तो पहले अकोला में ही थे, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई वहाँ अकोला में ही, अकोला नगर के प्रचारक पहले बने, बाद में अकोला विभाग के प्रचारक बने, बाद में जिम्मेदारी बढ़ती गई, बाद में वो नागपुर प्रांत के प्रचारक बने। संघ की व्यवस्था में उन दिनों में नागपुर यह एक प्रांत कहा जाता था, माना जाता था, और उस नागपुर प्रांत के प्रचारक करके माननीय मोहन जी ने उस इस शहर में काम किया। 1991 में मोहन भागवत संघ कार्यकर्ताओं के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख भी बनाए गए और वो इस पद पर 1999 तक रहे। इसी साल उन्हें सारे देश में पूर्णकालिक काम करने वाले संघ कार्यकर्ताओं का प्रभारी अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बना दिया गया। इस तरह मोहन भागवत संघ में तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। प्राय संघ के सभी कामों में उनका योगदान रहा है। संघ के काम कैसे रहते हैं? संघ की दैनंदिन शाखा रहती है, संघ के शिविर रहते हैं, संघ शिक्षा वर्ग रहते हैं, गीत गायन होता है, घोष विभाग होता है। तो ये जो संघ कार्य के जो विभिन्न पहलू है, हर एक पहलू में उनका योगदान रहा। वो अच्छे गीत गायक भी है और घोष विभाग में भी शायद उनका योगदान होगा, ऐसा मुझे लगता है। मोहन भागवत संघ के प्रचारक हैं और संघ की परंपरा के मुताबिक उन्होंने शादी भी नहीं की है। साल 2000 में जब राजेंद्र सिंह और रच्चू भैया और एचपी शेषाद्री ने सर संघ चालक और सर संघ सरकार्यवाहक के पद से इस्तीफा दिया तो के.एस. सुदर्शन संघ के नए सर संघ चालक बने और मोहन भागवत सर कार्यवाहक, और आखिरकार 21 मार्च 2009 को भागवत संघ के सर संघ चालक बना दिए गए। विदर्भ के प्रांत प्रचारक बनने के बाद उनके तरफ बिहार में क्षेत्रीय प्रचारक के नाते जिम्मेदारी आई। क्षेत्रीय प्रचारक वो होता है जहां जिसके तरफ 2-3 प्रांतों की जिम्मेदारी होती है प्रचारक के नाते, तो ऐसे बिहार में वो क्षेत्रीय प्रचारक थे। बाद में वो अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख, ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। बाद में वो सरकार्यवाह बने और बाद में सरसंघ चालक की जिम्मेदारी उन पर आई है। मोहन भागवत को करीब से जानने वाले उन्हें एक विनम्र और व्यावहारिक शख्स के तौर पर पहचानते हैं, जो संघ को राजनीति से दूर रखने का नजरिया रखता है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने बीजेपी को जिताने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुलकर बैटिंग की, उसने संघ के राजनीति से दूर रहने के दावे को चर्चा में ला दिया है। भागवत ने कैसे दूर की मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में आने वाली रुकावटें, आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले देखिए, साल 2009 में के.एस. सुदर्शन की जगह जब मोहन भागवत ने संघ की कमान संभाली, तब उनके सामने क्या थी सबसे बड़ी चुनौती? श्री सुदर्शन जी का भाजपा के नेतृत्व से कुछ बिंदुओं पर मतभेद हुआ। अटल बिहारी जी, वाजपेयी और अडवाणी जी, इन दोनों को उन्होंने सार्वजनिक रूप से सलाह दी कि उन्हें अब राजनीति से अलग होकर नए लोगों को आगे आने का अवसर देना चाहिए। तो वो एक बड़ी समस्या थी, पुराने नेतृत्व और संघ के बीच में सामंजस्य बैठाने की।
2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई थी। हार से बीजेपी और संघ में निराशा का माहौल था, तो वहीं गुजरात में लगातार दो चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की दावेदारी के लिए अपनी तैयारी भी तेज कर दी थी। इसलिए उस वक्त चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादे जता दिए थे कि वो बीजेपी में बड़े परिवर्तन चाहते हैं। दरअसल हार के बाद संघ के निशाने पर खास तौर पर लालकृष्ण आडवाणी और उनकी टीम के वो केंद्रीय नेता थे जिन्होंने इन चुनावों की रणनीति बनाई थी। भाजपा के काम हटका नहीं है, लाखों कार्यकर्ता उनके देश भर है और उन्होंने तपस्या की है, इसके चलते उनकी पुण्य काम करेगी, ऐसे होता नहीं है। इतने नीचे तक गहराई तक वो काम गया है, गांव गांव में लोग मिलते हैं। अब अगर गांव में कोई व्यक्ति भाजपा के लिए आंखों में आंसू लेके खड़ा है तो उस पार्टी का पतन नहीं हो सकता। जितना होना है उतना होने के बाद भी इट विल राइज फ्रॉम द एशेस ऑल्सो। बीजेपी की हार के बाद ये भी तय किया गया था कि अब पार्टी की कमान आडवाणी नहीं बल्कि कोई और संभालेगा। लेकिन तब संघ के आगे भी ये सवाल खड़ा था कि आडवाणी के बाद आखिर किसे बीजेपी की कमान सौंपी जाए। नरेंद्र मोदी का ब्रांड इक्विटी जो है वो ब्रांड इक्विटी के सामने ना राजनाथ है ना नितिन गडकरी है। बीजेपी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें तो नरेंद्र मोदी नंबर वन ब्रांड है, तो इसीलिए आरएसएस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। उनके जो यस मैन लॉयलिस्ट को छोड़ के ऐसे एक बंदा का जिसका ब्रांड है, जिसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप को सुधारा और आगे बढ़ाया, तो इसमें मुझे लगता है इट इज़ नॉट ओनली द इशू ऑफ साइकोफेंसी एंड द लॉयल्टी, बट इट्स ए इशू जहां भाजपा और आरएसएस मिल के तय किए हैं कि टैक्टिकली नरेंद्र मोदी विल बी द बेस्ट बेट। आपकी अगर इच्छा है मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हुआ। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2013 को पहली बार दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में जब मोदी बोले तो साफ हो गया कि अब उनकी अगली मंजिल दिल्ली ही है। 2002 के दंगों का जिस तरह से 12 साल तक लगातार आलाप होता रहा, उससे देश भर में जो आहत हिंदू मन है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो गया। तो नरेंद्र मोदी देश की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं का के प्रतीक बन चुके थे। संघ ने और मोहन राव जी भागवत ने इस सत्य को पहचाना। आरएसएस के एक बहुत सीनियर एक लीडर मुझे बताया था कि आडवाणी जी अभी हो गया है जो कंट्रीब्यूशन, अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कैसे हम आगे बढ़े। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की राह में अभी कई रोड़े बाकी थे और सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे खुद बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन मोदी को लेकर संघ में फैसला हो चुका था, इसीलिए बीजेपी ने भी जून 2013 में उन्हें केंद्रीय चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर अपना संदेश साफ कर दिया था। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। इसलिए संघ ने आडवाणी जी को कभी अस्वीकार नहीं किया। ये जो द्वंद है आडवाणी वर्सेस नरेंद्र मोदी, इसको आप क्षमा करें, थोड़ा बहुत उसमें आडवाणी जी का योगदान है लेकिन उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। संघ का योगदान इसमें है कि उसने आडवाणी जी की तरफ से नरेंद्र मोदी के विरोध की बातें प्रचारित होने के बाद भी आडवाणी जी के कद को छोटा नहीं होने दिया। गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन मोदी के विरोध में आडवाणी रुके नहीं बल्कि 10 जून को उन्होंने पार्टी के सभी अहम पदों से इस्तीफा भी दे दिया था।
और ये पहला मौका था जब संघ ने सीधे तौर पर खुलकर बीजेपी के मामले में दखल दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी को समझाने और मनाने के लिए खुद मोर्चा संभाला। अनुरोध पर उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। आडवाणी जी ये आकलन नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय कितनी व्यापक है और शायद कुछ लोगों ने उनको गलत सलाह दी, लेकिन संघ का योगदान आडवाणी को किनारे करने में नहीं है। संघ का योगदान आडवाणी को उनकी आयु और प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थान दिलाने में है। नरेंद्र मोदी ने भी हर अवसर पर आडवाणी जी के चरण स्पर्श किए हैं, उनको महत्व दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का पहला बड़ा एक्शन तब हुआ था जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उनका दूसरा बड़ा एक्शन था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी और संघ के अंदर नरेंद्र मोदी की राह की हर रुकावट को साफ करने में अहम भूमिका निभाई। ये मोहन भागवत की ही रणनीति थी कि संघ कार्यकर्ताओं ने चुनाव में 100% वोटिंग का लक्ष्य बनाया और उसे काफी हद तक हासिल भी किया, जिसका नतीजा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर सामने आया और बीजेपी की इस जीत का सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभरे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन पर्दे के पीछे इस जीत का हकदार एक चेहरा और भी है।